नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दीप प्रज्वलित कर मनाया गया फतेहपुर जनपद का 158वां स्थापना दिवस। बीती शाम खागा नगर के लोगों ने फतेहपुर जनपद का स्थापना दिवस मनाया, जिसमें ओमघाट फतेहपुर ठाकुर दरियाओं सिंह स्मारक खागा और साइंस हॉस्पिटल खागा में दीप प्रज्वलित कर जनपद का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बताते चले कि जनपद फतेहपुर को जनपद के रूप में 10 नवंबर 1826 को पहचान मिली थी, तब से प्रत्येक 10 नवंबर को फतेहपुर जनपद का स्थापना दिवस 10 नवंबर को मनाया जाने लगा है। इस मौके पर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, अवधेश सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, सोनवीर सिंह, रणजीत सिंह, आशुतोष सिंह, नेहा सिंह, नेहा मौर्य तथा निहारिका केसरवानी ने दीप प्रज्वलित कर फतेहपुर जनपद का स्थापना दिवस मनाया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं समाज से ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह जी। सबसे पहले तो मैं आपको परिचय जानना चाहूँगा। आज जो ये दीप प्रज्वलन का मामला, मोमबत्ती कैंडल आप लोग जला रहे हैं, किस उपलक्ष्य में जला रहे हैं? जी, आज हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है और सभी जनपद के मैं सभी साथियों को मैं आज अपने जनपद के 198वें स्थापना दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे जनपद का स्थापना दिवस है, इसलिए हम सभी लोग दीप प्रज्वलन करके अपने घरों को, अपने प्रतिष्ठानों को ये हर समय प्रकाश मान रहे, हमारा जनपद हर समय अग्रणी रहे, इसके लिए हम सभी लोग दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। अपने जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहूँ? मैं अपने सभी जनपद वासियों से, खास तौर से उन सभी नौ साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे इस जनपद फतेहपुर, जो कि ये दुआबा का भूभाग है, जहाँ पे उत्तर में माँ गंगा और दक्षिण में माँ यमुना का पावन बहाव है, हम इन दो नदियों के पावन नदियों के बीच उपस्थित हैं, ऐसी कड़ी में जहाँ पे हर समय क्रांतिवीरों की धारा रही है, साहित्यकारों की धारा रही है, ये अमर शहीद ठाकुर दरियाओं सिंह का जनपद है, ये पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का जनपद है, ये अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी का ये जनपद है। ऐसे में अपने उन सभी नौ साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ जो आज अपना वो उद्देश्य भूल करके नशे की लत में लोग आ रहे हैं, तो मैं सभी नौ पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग नशे से हट करके अपने जनपद को, जो हमारी पहचान है, उसमें आप सभी लोग आगे आकर के हिस्सा लें, जिससे हमारा जनपद फतेहपुर अग्रणी की भूमिका में आगे बना रहे। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।